प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा चल रहा है। कई बार पुलिस ने लाखों की अवैध शराब बरामद की है, इसके बावजूद शराब के काले कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा। हाल ही में बरामद हुई 21 पेटी शराब बरामद हुई थी, इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही थी। दबिश के दौरान ही शराब तस्कर अन्नू चौटाला फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है, लेकिन संरक्षण के चलते वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ पा रहा है। सूचनाएं मिल रही थी कि जैसे चार धाम यात्रा और आजकल जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, पर्यटकों का बहुत ज्यादा हरिद्वार में आवागमन है, तो कुछ शराब बेचने वाले लोग ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। इस पर जो है मुंबई के द्वारा मुझे सूचना मिली थी, जिस पर मैंने जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं श्री चंद्रवान सिंह, उनको सूचित किया और एक टीम बनाकर जो है जिस स्थान की सूचना मिली थी उस स्थान पर हमारे द्वारा दबिश दी गई। पता चला कि जमीन के नीचे दबाकर शराब पर एक जखीरा रखा गया था, जिसमें गहन तलाश करने के बाद जो है 21 पेटी जो है शराब प्राप्त हुई है।